देश के करोड़ों कर्मचारियों की ये मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। और ये मांग कोई नाजायज नहीं है। जो एनपीएस है, नई पेंशन की जो स्कीम है, उसमें आप कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार के जुए में लगा रहे हैं। शेयर बढ़ा तो पेंशन बढ़ी, शेयर घटा तो पेंशन घटी। उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हर वर्ग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, सरकारी कर्मचारी हो, वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी ने उसको पास किया, पंजाब के अंदर कैबिनेट ने मंजूरी दी ओल्ड पेंशन स्कीम को, और अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिबद्धता है और उन्होंने मजबूती से इस पूरे आंदोलन का समर्थन किया है और कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर जो भी अभियान और आंदोलन चलाया जाएगा, देश में जो अभियान आंदोलन चलाया जाएगा, उसमें हमारी पार्टी कर्मचारियों के साथ है, उनके मुद्दे के साथ है। मैं कल खुद गया था रामलीला के मैदान और मैंने कर्मचारियों से कहा कि आपने मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया है, और उनसे जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की डिमांड है वो पूरा कराने के लिए हम लोग आपके साथ हैं, आपका हर तरह से समर्थन करेंगे। तीसरा विषय जो इंडिया गठबंधन को लेके तैयारियों का है, पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ के अंदर एक बड़ा जिला सम्मेलन किया था, और इसी प्रकार का जिला सम्मेलन अब पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले, और मोदी सरकार की जो सच्चाई है उसको प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे, गांव गांव में जाकर लोगों को बताएंगे। और वो सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नौकरियों का वादा नौजवानों से किया, 18 करोड़ नौकरियां 9 साल में मिलनी थी, वादा झूठा निकला। महंगाई कम करने का वादा देश की जनता से किया, वादा झूठा निकला। फसल का दाम दोगुना करने का वादा किसानों से किया, वादा झूठा निकला। पक्का मकान देने का वादा झुग्गी में रहने वाले लोगों से किया, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान सबको दे देंगे, वादा झूठा निकला। काला धन लाने और 15 लाख हर खाते में पहुंचाने का वादा इस देश की जनता से किया, वादा झूठा निकला। तो मोदी जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। मोदी की सरकार इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रही है, ये सच देश की। अरे सीधा